हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है एवरीडे न्यू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। ओडिशा पुलिस की तरफ से रिक्वायरमेंट 2020 का निकल चुका है। इसका ड्राइवर पोस्ट के लिए निकल चुका है। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाले हैं वह फुल डिटेल्स। इसका क्वालिफिकेशन 10th पास रखी गई है। इसका टोटल वैकेंसी 231 पोस्ट दिया हुआ है। एज लिमिट 18 से 28 वर्ष दिया हुआ है। इसका नोटिफिकेशन का भी वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप फुल नोटिफिकेशन के बारे में भी जान सकते हैं, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करें, तभी आपके लिए अच्छा होगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें एंड इस यूट्यूब चैनल पर जो नए हों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन करने के समय आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट यहाँ इस पेज में आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है आपको व्हाट्सएप प्लस रिक्वायरमेंट पोर्टल में। तो यहाँ आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। पहले लॉगिन में आपको यहाँ अपना ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद यहाँ आपको फ़ोन नंबर डालना है, मोबाइल नंबर जो भी है आप वैलिड मोबाइल नंबर डालें एंड वैलिड ईमेल आईडी डालें। उसमें आपको ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको नीचे आपको देना है। इंटर ओटीपी लिखा हुआ है, उसमें जनरेट ओटीपी क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ काउंटर आपको चलेगा। आप देख सकते हैं ओटीपी सेंड योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर भी आपको 15 मिनट के अंदर आपको डालना है। उसके बाद कैप्चा डाल दें। ओटीपी डालने के बाद आपको मोबाइल या ईमेल के थ्रू आ सकता है, तो ओटीपी डाल दें। ओटीपी डालने के बाद कैप्चा डाल दें, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर दें। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस टाइप का प्रोसेसिंग चलेगा आपका। प्रोसेसिंग होने के बाद आप देख सकते हैं अप्लाई सेक्शन आपको आ जाएगा, अबाउट राइट साइड दिया हुआ है। तो 231 पोस्ट देख सकते हैं, ड्राइवर रिक्वायरमेंट 2020, अप्लाई पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ ड्राइवर एंड पीएमटी में आपको खुल गया पूरा डिटेल्स। पूरा डिटेल्स आने के बाद आप देख सकते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको, एप्लीकेंट डिटेल्स आपको देना है। यहाँ देख सकते हैं फुल नेम आपको देना है। उसके बाद यहाँ फुल नेम टाइप करने के बाद यहाँ आपको देख सकते हैं फादर्स नेम पूछा गया, आपको यहाँ फादर्स नेम देना है। फादर्स नेम देने के बाद फादर्स नेम डाल दे, आपको 10th में जो रहेगा उसी को आपको देना है। 10th में आपको आपका नाम जैसे रहेगा, फादर नेम जैसे रहेगा, डेट ऑफ बर्थ सेम आपको ऐसे ही देना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, नहीं तो आपको दिक्कत पड़ सकता है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ चूज करना है आपको, ईयर पहले चूज करें। ईयर चूज करने के बाद आपको यहाँ मंथ चूज करना है। मंथ चूज करने के बाद डेट चूज कर लें। उसके बाद देख सकते हैं एज काउंट हो गया 1/1/2020 से। उसके बाद रिलीजन चूज कर लें, यहाँ हिंदू क्रिश्चियन जो भी है चूज कर लें। उसके बाद कैटेगरी SC ST UR जो भी है कैटेगरी चूज कर लें। चूज करने के बाद नेशनलिटी आपको यहाँ इंडियन दे देना। उसके बाद ईमेल आईडी तो दे दी थी, मोबाइल नंबर एंड आधार नंबर आपको ऑप्शनल दिया हुआ है। आधार नंबर डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। आधार नंबर तो सभी के पास रहेगा तो डाल दें, वही अच्छा होगा आपके लिए। डालने के बाद चेक कर ले। उसके बाद आपको यहाँ राइट साइड में फ़ोटो आपको दिया हुआ है, फ़ोटो आपको देख सकते हैं। हाइट आपको 20 पिक्सल मांगा गया है एंड वाइड विथ आपको 150 पिक्सल रहना चाहिए, तभी आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आपको 200 KB के अंदर रहना चाहिए फ़ोटो भी। तो कुछ कंप्यूटर में इस टाइप का दिखाएगा, तो सिलेक्ट कर देना है फ़ोटो। फ़ोटो आ गया, उसके बाद आपको यहाँ सिग्नेचर सिलेक्ट कर देना है। आपको सिग्नेचर का भी साइज दे दिया हुआ है, हाइट 100 पिक्सल 150 पिक्सल दिया हुआ है, तो सिग्नेचर भी सिलेक्ट कर लें। सिग्नेचर फिलअप करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं आधार नंबर नहीं दिए थे, तो आधार नंबर देना तो ज़रूरी है। आधार देख सकते हैं नीचे आप एप्लीकेंट अदर डिटेल्स, आप रिलेवेंट डिटेल्स भी डाल सकते हैं। यहाँ आपको स्टार मार्क दे दिया है, तो आपको यहाँ रिलेवेंट डिटेल्स डालना ही है। रिलेवेंट नेम दे सकते हैं, रिलेटिव्स नेम एंड रिलेटिव्स मोबाइल नंबर। उसके बाद
यहाँ आप देख सकते हैं डिस्क्लेमर आपको दिया हुआ है, फॉर एनी इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए आपको रिलेटिव्स नेम मांगा गया है, रिलेटिव्स मोबाइल नंबर मांगा गया है, रिलेटिव्स एड्रेस आपको मांगा गया है, तो आपको फिल करना है तीनों को। रिलेटिव्स नेम आप किसी का भी आपको दे सकते हैं, आपको बचे उसमें, उसके बाद रिलेटिव्स मोबाइल नंबर यहाँ डाल दें। रिलेटिव्स मोबाइल नंबर देने के बाद रिलेटिव्स एड्रेस डाल दें। एड्रेस देने के बाद आप देख सकते हैं एड्रेस इन्फॉर्मेशन, आपको एड्रेस यहाँ देना है, आपको एड्रेस दे देना है, आपको जो भी है विलेज पोस्ट ऑफिस कंट्री स्टेट चूज करने के लिए पूरा दिया हुआ है यहाँ। उसके बाद कंट्री सिलेक्ट करें इंडिया, उसके बाद स्टेट चूज कर लें, स्टेट चूज करने बोला है आपको, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज कर लें कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, उसके बाद विलेज लोकेलिटी आपको जो है आप यहाँ दे दें। उसके बाद आप यहाँ पोस्ट ऑफिस, आपको जो पोस्ट ऑफिस पड़ता है आपको विलेज का उसको डालें, पुलिस स्टेशन। उसके बाद आपको यहाँ पिन कोड डालना है, यहाँ पिन कोड डाल सकते हैं। उसके बाद परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ सेम आज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर देना है, अदरवाइज आपको सेम नहीं है तो यहाँ आपको टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स में आपको देना है, हाई स्कूल का, टेंथ का, आपको जो भी है कौन सा कौन सा बोर्ड है आप दे सकते हैं, ईयर ऑफ पासिंग आप यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ टोटल मार्क आपको देना है, परसेंटेज देख सकते हैं, टोटल मार्क आपको देना है यहाँ। टोटल मार्क देने के बाद मार्क्स रिक्वायर्ड कितना है आप यहाँ उसको डालें। उसके बाद यहाँ पासिंग टाइप, फर्स्ट अटेम्प्ट, कंपार्टमेंटल, सप्लीमेंट्री आपको देना है। उसके बाद यहाँ आपको परसेंटेज शो कर देगा। उसके बाद अदर कैंडिडेट एडिशनल इन्फॉर्मेशन का ओडिया, आपको हाई स्कूल में ओडिया था तो यूज़ कर दें, वो ऑटोमेटिक रहेगा। उसके बाद इफ कैंडिडेट बिलोंग टू एक सर्विस मैन शॉर्ट पर्सन है तो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नो। मेरिट ये ऑन मेरिट यहाँ देख सकते हैं, मेरिटल स्टेटस आपको दिया हुआ है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नियत जरूरी है इस फॉर्म के लिए, तो इसको आपको किसी भी हाल में आपको यहाँ डालना है। एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन जिसका नहीं रहेगा उसका ऑनलाइन उड़ीसा पुलिस का आप डाल नहीं सकते। सर नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आपको कहाँ से किए थे, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन डेट कब आप रजिस्ट्रेशन किए थे यहाँ आप देख सकते हैं, 6 तारीख के बाद, 6 7 तारीख को आपको नोटिफिकेशन आया था तो आप उसके बाद आप नहीं डाल सकते उसको। उधर एप्लीकेंट स्पॉट पर्सन ये तो यस करें, या तो एनसीसी एडमिट है तो यस कर सकते हैं, बोनस मार्क दिया हुआ है। लाइसेंस नंबर उसके बाद देख सकते हैं, या हेवी या तो लाइट मोटर जो भी है आपको यहाँ डाल दे, आपको लाइसेंस नंबर, लाइसेंस नंबर डालने के बाद आपको यहाँ दिया हुआ है लाइसेंस इशू डेट मांगा गया है, आपको कब लाइसेंस इशू हुआ था उसका आपको दिया हुआ है, तो लाइसेंस इशू डेट भी सेम वैसे जब का आपको डेट ही दे सकते हैं यहाँ। उसके बाद नेम ऑफ द आरटीओ, कौन सा आरटीओ में आपको डीएल बना हुआ था उसको डाले। उसके बाद इधर डीएल एनिमल्स कौन सा आपको लाइसेंस से देख सकते हैं यहाँ, लाइट मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल आपको दिया हुआ है। उधर कैंडिडेट क्रिमिनल ऑफिस ये है तो आप यहाँ ये नो कर सकते हैं। उसके बाद प्रेफरेंस ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर आप डाल दें वहाँ। अपलोड सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपको अपलोड किया हुआ है, टेंथ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के लिए भी टेंथ डालना है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कर देना है, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस फॉर रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए का सर्टिफिकेट आपको देना है, तो यहाँ पूरी तरह से आपको फिल कर देना है, चूज कर देना है आपको डॉक्यूमेंट, सबमिट कर देने के बाद आप देख सकते हैं कंप्यूटर में इस टाइप का आपको आ जाएगा। सो तो आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है, 10 फोटो 200 KB के अंदर रहना चाहिए, आपको JPG फाइल में ही अपलोड करना है, तो फिर JPG फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना है, 200 KB के अंदर ही, तभी आपको यहाँ फाइल एक्सेप्ट किया जाएगा। ओल्ड डॉक्यूमेंट्स आपको उसी हिसाब से आपको यहाँ देख सकते हैं, यहाँ डॉक्यूमेंट सबमिटेड राइट साइड में आपको दिखा दिया, तो इसी तरह से पूरा डिटेल्स आपको
जितना भी डॉक्यूमेंट अपलोड मांगा गया है आपको टोटल सबको अपलोड कर देना है एक एक करके। कोई यहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मांगा गया है तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज दे। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ आपको चूज करना है, ड्राइविंग लाइसेंस स्कैन करके रखें तो ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ अपलोड कर दे। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी चूज कर दे, यहाँ आप चूज कर सकते हैं, चूज कर दे। उसके बाद यहाँ डिक्लेरेशन यहाँ दे सकते हैं और इसी तरह से आपको आ जाएगा डिक्लेरेशन। ये करने के बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक कर दे, उसके बाद प्रीव्यू में चले जाएँ। तो इसी तरह से प्रीव्यू करने के बाद आप सबमिट कर सकते हैं और इसी तरह से अपना फॉर्म फिलअप कंप्लीट कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है, बस कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको प्रिंट आउट कर देना है।